कि अल्लू अर्जुन ने खुद राइट दिए हैं, अल्लू अर्जुन वॉन्ट्स की ऐसी रिमेक बनाए जाए। अब फैंस तो भाई इतने में पागल हो जाते हैं और भाई उन्होंने नारेबाजी लगाना स्टार्ट कर दिया एक इवेंट में, वाई अल्लू वाई, और उस चीज पर काफी बखेड़ा भी खड़ा हुआ, जिसके बाद अल्लू अर्जुन थोड़ा इमोशनल हो गए थे। देखिए सबसे पहले तो बताऊं, अल्लू अर्जुन एक एक्टर हैं, वो डायरेक्टर नहीं है। प्रोडक्शन हाउस उन्होंने अपना खुद अब स्टार्ट किया है, और इससे पहले जिनके अंडर प्रोडक्शन काम करते थे, जिनके लेबल के लिए काम करते थे, उनमें उनके पापा का भी नाम शामिल है और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये जितनी भी मूवीज रिमेक के लिए दी जा रही हैं, इसमें अल्लू अर्जुन का कोई भी हाथ नहीं है। अब देखिए मार्केट में खबरें क्या दी जा रही हैं अल्लू अर्जुन के बारे में, जैसे बोनी कपूर ने राइट ली है मूवी के सन ऑफ सत्यमूर्ति के, और आदित्य चोपड़ा ने शायद राइट ली इनकी मूवी डीजे के। तो फैंस को बोला जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने खुद राइट दिए हैं, अल्लू अर्जुन वॉन्ट्स की ऐसी रिमेक बनाई जाए। अब फैंस तो भाई इतने में पागल हो जाते हैं और भाई उन्होंने नारेबाजी लगाना स्टार्ट कर दिया एक इवेंट में, वाई अल्लू वाई, और उस चीज पर काफी बखेड़ा भी खड़ा हुआ, जिसके बाद अल्लू अर्जुन थोड़ा इमोशनल हो गए थे। और सच ये है कि भाई एक एक्टर राइट नहीं दे सकता किसी भी मूवी के, और ना ही डायरेक्टर दे सकता। जो फिल्म मेकर है भाई, जिनके पास राइट है, प्रोड्यूसर्स के पास राइट होते हैं, लेबल के पास राइट होते हैं। जैसे धर्म प्रोडक्शन की मूवी है तो धर्म प्रोडक्शन देगा किसी को राइट? शाहरुख खान थोड़ी ना दे देगा, वरुण धवन थोड़ी ना दे देगा। मूवी अगर यशराज की है तो राइट कौन दे देगा? सलमान खान दे देगा टाइगर की राइट? नहीं भाई, आदित्य चोपड़ा देंगे, उनका लेबल है वो। ठीक ऐसे भाई जो डीजे के फिल्म मेकर हैं, जो जिन्होंने सन ऑफ सत्यमूर्ति बनाई है, उनके मेकर्स देते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन भाई, कितने सालों से होता आ रहा है, राम और श्याम के टाइम पे हो रहा है। दिलीप कुमार साहब की राम और श्याम भी रीमेक थी, आपकी हेरा फेरी भी रीमेक थी, आपकी गजनी भी रीमेक थी। बाकी फैंस जितने भी अल्लू अर्जुन को यही कहूंगा कि भाई ऐसा बिना पूछे नारेबाजी करना थोड़ा गलत है, बाकी आपकी अपनी समझ। कमेंट डाउन एंड लेट मी नो आप क्या चाहते हैं, रीमेक बने ना बने। आई थिंक अल्लू अर्जुन भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसे गंदे गंदे रीमेक बने। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और भाई 100 के होने वाले, थोड़ा सा गौर इस चीज पे भी कीजिएगा, हल्का सा करो साहब, है और पहुंचाओ 100 के पे। फेस रिवील है, बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए। बाय बाय।